थर्टी बताना है ना, 30। जी सर, 30। हाँ, तो 30 में देखिए इसमें क्या बोला है कि 2005 से लेकर 2009 के दौरान क्षेत्रफल में निम्न में से किस में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमको 205 से 2009-10 तक में ना आपको सबका निकालना है, ठीक है। ये फल का निकालेंगे हम लोग वृद्धि, सब्जी का भी निकालेंगे वृद्धि, ठीक है, फूल का और फूल बागवानी का। तो ये सब में हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे इसमें। तो फल में वृद्धि कितना हुआ आपका, 53 से 63 है ना, तो 53 से 63 हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 63 माइनस 53 अपॉन 53 इंटू 100 है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि है ना। तो जाएगा फल में प्रतिशत ये वृद्धि हो जाएगा ना। वैसे सब्जी का निकालेंगे तो जाएगा 79 माइनस 72 अपॉन 72 इंटू 100 हो जाएगा। अब फूल का निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 आएगा ये। और बागवानी में कितना जाएगा, ये 209 माइनस 187 अपॉन 187 इंटू 100, ठीक है। ये कौन से का क्वेश्चन है, ये ठीक है जो, तो आप सब लोग इसको देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। यस सर। हाँ ठीक, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हमको यही से दिख रहा है, दो में से एक घटे कितना जाएगा, ये एक, और कितना होगा ये 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा, फूल। और कुछ निकालने की जरूरत है इसमें ना, क्योंकि बाकी में तो 100% ज्यादा नहीं आएगा इसमें है ना, क्योंकि इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा 10/53 इंटू 100 आएगा ये ना, तो 100% नहीं आएगा ये है ना, 5 मतलब लगभग 20% के आसपास आएगा ये है ना। और ये कितना आपका 7/72 इंटू 100, तो 7 × 70 10 में शून्य कट जाएगा, ये 10% के आसपास आएगा ये अप्रॉक्स आएगा ना। और ये कितना आएगा, 20 के अप्रॉक्स आएगा। और इसमें घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 9 21 आएगा ना, ये 21/187 इंटू 100। अगर इसको अगर 20 भी लेते हैं तो 9 हो जाएगा ये, 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 11 समथिंग कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा, सबसे अधिकतम क्या आएगा इसमें आएगा, ठीक है। अब ये इसके आपको पता चल जाएगा, इस पर और आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो 31 देखते हैं ना, जो 31 से जुड़ा हुआ है, 31 बोल रहे हैं कि वर्ष 2005-06 से 9-10 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। सर ये जून 2013 का क्वेश्चन है। हाँ जून 2013 का है ना, ठीक। तो ये 31 क्वेश्चन देखते हैं इसमें ना, इसमें क्या है, 2005 से 2009-10 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% वृद्धि हुई है। तो ये आपको हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो 10% के आसपास किसमें है, इसमें है ना। तो ये 10 से ना अबव, ये जहां ज्यादा निकलेगा ये जो वैल्यू है ये, तो इसमें आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 31 का सब्जी आ जाएगा, बी आ जाएगा इसमें है ना। और 31 का कितना आएगा, फूल ना, फूल कौन सा है, सी नंबर में है, ठीक है। तो 30-31 ये एक ही क्वेश्चन से बन जाएंगे, मतलब इसमें दोनों का आंसर आ जाएगा, क्लियर है ये। जी सर, ठीक है। हाँ ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन को ना अप्रॉक्स करके हमको लेना है ना, आगे पीछे जो एक दो रहेगा उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और फिर इसका फिर 32-33 ये बन गया किसको बताऊं सर, 32 बन गया है सर। 32 में मतलब उच्चतम वृद्धि 2006-07 कैसे होगा, कौन से क्वेश्चन में, 32 या 33?
33 सर, 32 तो आ गया आंसर, 68, 33 का। ठीक है तो 33 बताता हूँ, है ना। ये ग्रुप में मैंने जो भेजा था ना काजल जी, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो जून 2013 का है, जून 2013 का क्वेश्चन है ये। यस सर, उसको देखेंगे सर, अच्छे से अभी देखी नहीं हूँ उसको। हाँ 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 एक बार और देख। यस सर ठीक। तो उसमें लिखा कि किस वर्ष में क्षेत्रफल उच्चतम दर्ज की गई है, ठीक है। किस वर्ष फलों के क्षेत्र में, तो सिर्फ फल को देखना हमको, है ना। फलों में उच्चतम दर्ज, उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो पहला जो साल है उसमें तो वृद्धि नहीं पाया जाएगा ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 33 क्वेश्चन को। उसमें दिया गया कि किस वर्ष फलों के क्षेत्रफल में उच्चतम दर्ज की गई है ना, ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमारा जो टेबल है इसमें हमको सिर्फ इसी में जाना पड़ेगा, ये इधर वाले में, है ना। तो हमको ना वृद्धि क्या होगा, पहले ईयर तो नहीं मिलेगा, है ना। वृद्धि दर कहाँ शुरू होता है, सेकेंड ईयर से। तो हमको वृद्धि दर किसमें निकालेंगे, 56% है ना, ये मतलब 56 है, वो 56 कितना वृद्धि है। फिर 68 में है, वो 56 से कितना वृद्धि है। तो वैसे हम क्या निकालेंगे, चार वर्ष का क्या निकलेगा, वृद्धि निकलेगा। जब 2006-07 का निकालेंगे तो वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में होगा, वैसे 7-8 का निकालेंगे तो पिछले ईयर के कंपेरिजन में होगा, ठीक है। अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये जाएगा 33। तो हमको सिर्फ फल का देखना है ना, तो हमारा 2006 और 2007 है ना, तो इसमें जो वृद्धि कितना होगा, 56 माइनस 53 अपॉन 53 इंटू 100, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2007-08 है ना, तो इसमें जो वृद्धि है कितना है, वो 58 माइनस 56 अपॉन 56 इंटू 100। फिर 2008 और 2009 में है ना, 8-9 में कितना है, ये 61 है माइनस 58 अपॉन 58। फिर 2009 और 2010 में कितना है, 63 माइनस 61 अपॉन 61 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इसको फोटो किसी ग्रुप में डाल देंगे, तो देखते हैं इसको हम कैसे शॉर्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको आप कितना लिखेंगे, तो जाएगा 3/53 इंटू 100 होगा ये, है ना। और यहाँ पे कितना होगा, 2/56 अपॉन 100। और यहाँ पे कितना होगा, ये 3/58 इंटू 100। और यहाँ पे होगा 2/61 इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखिए आप लोग बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसके आगे आपको ना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 2006-07 है ना। तो देखो यहाँ पे नीचे का जो वैल्यूज है ना, 53, 56, 58, 61, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट आपके आसपास ही है, है ना। तो ऊपर में वैल्यू जो दो है ना, जो ऊपर में दो है ये तो कट जाएगा, है ना, ये आपका आंसर ही नहीं आएगा ना। और इसमें क्या है कि ऊपर में तीन है, ऊपर में तीन है ना, तो ये दोनों में अगर कंपेरिजन करते हैं तो ये कितना है, 53 है और ये 58 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी, जिसमें छोटी वैल्यू का डिवाइड होगा वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। ये बड़ी होगी, ये क्या होगा, ये बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे आप ऐसे ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये तीन बड़ी लड्डू है ना, और उसको 53 में बटा, है ना, और ये तीन लड्डू होगा 58 में बड़ा, तो ज्यादा लोग में बटेगा तो क्या होगा, एक एक को कम मिलेगा ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो तीन बड़ी लड्डू होगा 53 लोग में बटा, तो ये क्या मतलब थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू इसका, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग में तीन लड्डू बट रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम लोगों में तीन लड्डू बट रहा है, ठीक है, वो बड़ा वाला लड्डू महाप्रसाद वाला, ठीक है। तो ऐसे समझिए, तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट हो, क्योंकि इसमें दो था और दो था, है ना, ऊपर में
और नीचे का में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और यहाँ पे क्या ऊपर में तीन है, ऊपर में तीन है, तो जिसका हर क्या होगा छोटी वैल्यू होगी, अंश आपका समान है ना, और हर जिसका का छोटा होगा वो वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें कितना आएगा 2006 2007 आएगा। हाँ इसका बताइए और कौन सा क्वेश्चन बताना है। ये 2008-09 से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको 2006-07 इसकी तो आसपास वैल्यू है थोड़ी। कौन सी वैल्यू इसको बोल रहे हैं क्या, ये और ये इसमें ऊपर देखिए ना, 2008-09, 2008-09 और 2006-07 दोनों का तुलना करेंगे ना, तो देखो यहाँ भी ऊपर में तीन है, यहाँ भी ऊपर में तीन है, ठीक है, और नीचे में कितना 53 है, यहाँ पे 58 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो जिसमें ज्यादा डिवाइड होगा ना वो वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू नीचे में बड़ा होगा है ना और ऊपर में पूरा सेम है, तो ये वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, और यहाँ पे कम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है ना, बाकी चीज तो सेम है, ऊपर भी तीन है और ऊपर में तीन है, 100 है ना, तो नीचे में जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि कम संख्या से वो विभाजित हो रहा है, और ये बड़ी वैल्यू से विभाजित हो रही है, तो बड़ी वैल्यू से विभाजित होने पे क्या होगा वैल्यू छोटी हो जाती है, और छोटी वैल्यू से विभाजित होने पे क्या वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब हमको आंसर तो निकालना नहीं, बस ये बताना किसमें ज्यादा है, इसमें पता चल गया ज्यादा है घर की, अगर वैल्यू पूछता तब हम उसको फिर कैलकुलेट करते कितने वैल्यू चाहिए, ठीक। और बताइए और कौन से ईयर का क्वेश्चन बताना है सर। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का है, मतलब 416 पेज नंबर पे है क्वेश्चन। बाकी आप लोग जो बनाए हैं ना वो लोग बताइए, आप लोग कौन से क्वेश्चन बताए पेज नंबर कितना बताया सुमन जी, 400 एक बार पेज नंबर फिर से बता दीजिए, रिकनेक्शन ले रहा था, पेज नंबर 401 में है, दिसंबर 2013। हाँ हाँ अब कितना पेज नंबर बताए, 400 एक। हाँ सॉरी ठीक, ब्रेक में जाते हैं। ये वाला ना, हाँ किसने बताया कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 50, ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ये सर, दिसंबर 2013। हाँ ठीक ठीक, इसका कौन सा क्वेश्चन बताना है सर, 18 नंबर। 18 नंबर ना, हाँ 2008 और 2009 में किस क्षेत्र में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन का संख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है मतलब कमी आई है ना सीधा सीधा, इसको देखते हैं। तो हमको सिर्फ 8 और 9 का लेना है और ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना, तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास में, पश्चिम यूरोप, तो पश्चिम यूरोप में इसमें ऋणात्मक कमी आई है, बोले ना सबसे ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो कमी तो आई है 8-9 में, ठीक है, तो ये कितना है, ये 17,000 कितने, 17,99,500
पच्चीस ऋण हो जाएगा 16,000, 16,10,000 86 बटे जो ऋणात्मक बोल रहे हैं हम लोग क्या निकाले, कमी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये यूरोप का निकल जाएगा ना, वैसे दक्षिण पूर्व एशिया का निकालेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में है ना, आप लोग चाहे तो क्वेश्चन भी साथ में देख सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कितना हुआ है, इसमें तो वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, 3,32,000 था, 3,48,000 हो गया, तो इसका हम लोग नहीं निकालेंगे है ना, जिसमें वृद्धि होगा उसमें केवल कमी को निकालेंगे। और सी ऑप्शन है पूर्व एशिया, तो पूर्व एशिया में क्या है, हाँ यहाँ पे कमी हुई है, तो कमी कितना है आपका, 355,230 से 318,292 बट्टे हो जाएगा 355,230 200 करेंगे है? और उसका डी ऑप्शन है पश्चिम एशिया, तो पश्चिम एशिया का है 215,542 ऋण 201,110 बटे 15,542 200। तो इसमें हमको बताना है कि सबसे ऋणात्मक वृद्धि किसमें हुई है, मतलब सबसे कमी किसमें है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके देखिए तो है ना, थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको अपना लाख में कर लीजिए इसको, ठीक है, इस वैल्यू को इसको 18,00,000 कर लीजिए, इसको 16,00,000 कर लीजिए, 18,00,000 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 + 9 = 11% के आसपास में कुछ आएगा ये, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है इसमें, ये हो जाएगा 35, इसको आप 35.5 इसको लेते हैं, और 31 8,000 है, इसको अपन 32 ले लेते हैं, 35.5 आप लोग इसको निकाल के देखिए ना, इसको ऐसे राउंड ऑफ करके लेना है, इतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन करते बैठेंगे ना आधा घंटे से निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3.5 ना, तो ये लगभग ये 10 बार जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 10% के आसपास आएगा ये ना, सेकंड वाला 3.5 × 35 है, कितना अप्रॉक्स 10 बार जाएगा ये। और इसमें देखते हैं तो ये जाएगा 21.5 - 20, 21.5 × 100 करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1.5 / 21.5 × 100, ठीक है, 10 अपन हटा देते हैं, हो जाएगा 15, तो 5 दिया, ये हो जाएगा 5 × 15 = 5 ना, तो ये वाली छोटी आएगी ये है ना, क्योंकि 300/4 हो गया, इसमें 0 और ये 0 इधर अपन काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30/4 हो जाएगा, है ना, 4×7 = 28 है ना, 7% के आसपास, इसलिए ये बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हमको इसको शॉर्ट करके बनाना होता है। आगे पश्चिम यूरोप सबसे ज्यादा 11%। सर इसमें असल में कंफ्यूजन ही हो रहा था ना, कि इससे पूछा 2008 एंड 2009, तो मेरे को लगा दोनों साल का कैसे एक साथ निकालेंगे,
को समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ ऐसे निकालना है, ये जो डाटा है आपका किसका है, ये 2008 का है इधर का ना, ये कितना है 2009 का है ये ना, तो जो कमी आई है ना उसी को निकालना है ना, इसमें से इतना कमी आया है। और नीचे क्या आएगा, बड़ी वैल्यू होता है जब हम लोग परसेंटेज कमी निकालते हैं तो। ओके सर। हाँ और बताइए इसमें कुछ क्वेश्चन सर, बाकी तो बन गया सर। बन गया ना, चलो बहुत बढ़िया। डाटा बड़ा बड़ा देखना, डरना नहीं है ना, डाटा बड़ा मतलब उसको क्या करना है, अप्रॉक्स लेके बनाना है ना, एग्जैक्ट लेके बनाना नहीं है। एग्जैक्टली बनाएंगे तो ना आपका 20 मिनट या अगर ले लो मतलब आपका बाकी क्वेश्चन के टाइम कम हो जाता है, तो इसलिए इसको हमको उसको शॉर्ट करके बनाना है ना, जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही बनाना है आप लोगों को ना, ये ट्रिक है डीआई में, अगर जो डाटा अगर बड़े बड़े दिए उसको सॉल्व करने का। हाँ और अगला बताइए, और अगला कौन सा है, चंदन बनायो कि नहीं सर? 416 पेज। हाँ सर 416 वाला। चंदन कितना बनाए? इसको देखते हैं ना, ये वाला है ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़िए, इस तालिका को के आधार पर प्रश्न संख्या 18 से 22 का बनाना है। तो स्रोतों के अनुसार किसी देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल दिए हुए हैं, है ना, तो अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं, इसमें सरकारी नर्स कितना सिंचाई हो रहा है ना, निजी नर्स कितना हो रहा है, और ये जो दिया क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में दिया हुआ है ठीक है। तो डाटा को प्रॉपर देखिए, जो ब्रेकिंग में जो दिया है ना उसको ध्यान से देखिएगा ठीक है। तो डाटा पहले समझना है तब आपको डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, फिर और फिर सब ये दिया हुआ है, अन्य स्रोत कुल है ना, टोटल दे दिया सबका। इसमें कौन सा क्वेश्चन बताना है सर? 19 नंबर का क्वेश्चन सर, 18 18 भी बताना है ठीक, 18 बता देते हैं। ये 2014 का क्या क्वेश्चन? जून का है क्या ये? हाँ ठीक जून का है ये, जून 2014 का ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें 2000 पहले अपन 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या बोल रहा है कि 97-98 से 5 है कि अवधि में सिंचाई के निम्न में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी आई है ठीक। तो 97-98 से लेके 5 है, पहला रो और लास्ट रो है ना, इसके बीच में देखना किसमें कमी आई है। क्वेश्चन आए समझ में? इसका मतलब क्या है कि है ना 97-98 और 5 है कि अवधि में किसमें कमी आई है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना, तो ऑप्शन में ही हमको क्या देखना है, पहला जो रो है ना, ये इस रो का डाटा को हम क्या करेंगे, कमी में क्या करेंगे, हम घटाएंगे है ना, और उसको हम लोग इसमें से घटाएंगे और बल्टे क्या करेंगे, पहला वाला रो है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, अब देखते हैं इसको सर। लेकिन इसमें से लिखा रहता है तो पूरा नहीं लेंगे क्या चीज, मतलब 2008 से 2000 मतलब लास्ट स्टार्टिंग के ईयर से लास्ट ईयर तक नहीं लेंगे, से लिखा यहां से यहां तक तो। हां तो से में ना पहला लेंगे और लास्ट लेंगे, ऐसा होता है इसमें, से मतलब ना मतलब पूरे को नहीं लेंगे हम लोग है ना, सिर्फ पहला और आखिरी मतलब जो ईयर दिखा ना उसी उसी को लेंगे। और सर अगर पूरा लेना होता है तो क्या लिखे रहता है सर? पूरा में ना एक आध क्वेश्चन अगर बताऊंगा ठीक है, क्योंकि सर अगर जैसे कंफ्यूजन हो जाएगा सर, पूरा मतलब दो है तो फिर ऐसे और लिखना था ना, नहीं उसमें क्या होता है और ये पूरा लेना है ना तो समग्र लिखा होता है ठीक है। तो सर समग्र लिखा होता है क्या, मेरी बात थोड़ा सुनो आप पहले आप लोग, तो जब औसत वृद्धि बोलेंगे ना तो सबका वृद्धि निकालेंगे और उसका उसको एवरेज कर देंगे जितना वृद्धि निकलेगा
है ना, आगे के ईयर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसमें 97-98 से लेके 2005-06 के बीच में किसमें वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन है ना पहला वाला। सर इस क्वेश्चन में इंग्लिश में एंड ही लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों ईयर का ही है खाली। नहीं एंड नहीं है वो, एक्चुअली वो टू होना चाहिए, वो मिसप्रिंट होगा वो, इंग्लिश में एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं अगर एंड भी लेकिन परसेंटेज डिक्लाइन दिया है ना, तो आपको दोनों के बीच में ही होगा वो, चाहे एंड लिखे रहे चाहे से लिखा रहेगा, क्योंकि वो दो ईयर दे दिया और क्या बोल रहा है किसमें आपका परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है ना, तो डिक्लाइन हम दोनों डाटा को लेंगे है ना, 97-98 और 5-06 दोनों का डाटा लेंगे जो कि होगा। ठीक है देखिए इसको डाटा को सॉल्व कैसे करेंगे, तो परसेंटेज वृद्धि बोलेगा ना या फिर या परसेंटेज कमी बोलेगा, तो इसमें आपको दो डाटा ही लेना है और जो पर्टिकुलर ये रहेगा वो दोनों का ही डाटा लेंगे हम है ना, बीच का नहीं लेंगे। क्लियर है ना, एकदम ये बेसिक चीज है ये। तो देखो सबसे पहले ना ए ऑप्शन के लिए क्या बनाते हैं, सरकारी नहर है, तो सरकारी नहर में क्या है पहला वाला ऑप्शन है ना, तो इसमें कमी आई है ना, तो जो कमी आएगा ना केवल उसी को लेना है, तो कमी कितना है 17,117 - 15,268 - 17,100, इसमें सिंगल वन आएगा ना ये 17, ये इंटू 100 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना शुरू करो तो उसका तालाब का है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो तालाब में 25 है, 100 से कितना हो गया 2000 हुआ है, 2593 - 2034 / 2593, ये सब क्या आपके प्रतिशत कमी निकल रहे हैं। ठीक है प्रतिशत कमी में क्या होती है, बड़ी वैल्यू नीचे आती है, इंटू 100। सी ऑप्शन है नलकूप, नलकूप में इसमें वृद्धि होती है इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है तो जिसमें वृद्धि हुआ है ना तो वो हमारे लिए अच्छा है ना, कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे उसमें। और डी ऑप्शन के अन्य स्रोत है ना, तो अन्य स्रोत में क्या है ये भी कितना हो गया 3100 से कितना हो गया वो 7000 हुआ है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, अब कैलकुलेशन केवल दो में होगा क्योंकि इसमें क्या हुआ वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि और एक हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर बताइए, है ना, तो देखो नलकूप में ये तो अब तो दो में आपको तुलना करना है और मैं इसमें आंसर देख के बता सकता हूँ। ठीक है इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, बड़े बड़े डाटा ना कई बार डराने के लिए होते हैं, तो कौन सा होगा आप लोग देख के बताइए बिना कैलकुलेशन किए। कौन सा दोनों में से तो बताना है सर ज्यादा, हाँ मतलब ये वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, तो दोनों तो परसेंटेज कम ही है ना, तालाब तालाब का है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसके आसपास है, ये 26,000 के आसपास है ना, ये 6,000 के आसपास है ना, नहीं सॉरी ये हाँ 2600 हो जाएगा है ना, 2600 ये कितना 20 है और ये वैल्यू कितना इसमें, ये 17 है और ये 15 है, इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है तो डीआई के कुछ कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करने हैं ना, पूरा एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट लाने की कोशिश मत करना आप लोग है ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा।